नमस्कार, ये खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां विकास खंड बरहनी कार्यालय पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं पल्स किट की मशीन को घोटाले को लेकर पूर्व सपा विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू के नेतृत्व में गुरुवार को दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा 10 सहयोगी सपा कार्यकर्ताओं के साथ जांच की मांग को लेकर ब्लॉक पर धरना जारी रखा। जहां संपूर्ण देश कोरोना वायरस के दौर में है, कई लोग इस आपदा को अवसर बनाने के सुनहरे मौके को चुकने वाले नहीं है। ऐसे ही कुछ इस कोरोना महामारी में हुआ है, जहां खरीदे जाने वाले थर्मल स्क्रीनिंग एवं पल्स किट मशीन प्राइवेट कंपनी के द्वारा भारी मूल्य दिखाकर क्रय की गई है, जिसमें भारी घोटाला एवं कमीशन खोरी की गई है, जिसमें सर्वोच्च राजनीतिक के उच्च पदों पर आसीन मुख्यमंत्री सहित पूरा सरकार को लोग लिप्त हैं, जो जनता की सारी कमाई को लूटने का कार्य कर रहे हैं, जिससे अरबों की रकम को वो टकराने की बात नहीं आ रहे हैं, जिसकी अविलंब जांच कर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की गई है। अविलंब मांग पूर्ण नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ जन आंदोलन शुरू करने को बाध्य होना पड़ेगा। देखिए चंदौली से कमलेश भारती की रिपोर्ट। बताइए कि दो दिनों से धरना चल रहा है और आप उसके समर्थन में आज धरने पर बैठे हुए, धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको स्पष्ट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मांझनी सिंह, उत्तर प्रदेश की समस्त सामान्य जनता को प्रणाम करता हूँ, चंदौली की सामान्य जनता को प्रणाम करता हूँ। धरने का उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारा लगा करके आई थी सत्ता में, न गुंडा राज और न भ्रष्टाचार। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, ये सरकार सिर्फ गुंडा राज और सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करती है और भ्रष्टाचार करना जानती है। का उदाहरण है पीपीई किट का मामला उठा के देख लीजिए आप। भाई 2500 का पीपीई किट जो गांव में कोरोना के नाम पर जो है जांच के लिए हर प्रधान के खाते से जो है 12000 का मामला उठा है, 2500 के पीपीई किट को जो है 12000 में खरीद करके दे रही है प्रदेश सरकार। ये कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल हम उन मुद्दों की ओर नहीं जाना चाहते। प्रदेश की जनता पीड़ित है, गरीब किसान पिछड़ा पीड़ित है, युवा छात्र नौजवान पीड़ित है, कदम कदम पे गुंडा राज का बोलबाला है, विकास की गाड़ी पलट जाती है और बबलू की गाड़ी थाने से भाग जाती है, तमाम काम कितना बोले। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय मनोज कुमार सिंह डब्लू इस पीपीई किट के मामले को लेकर के सैयद राजा ब्लॉक बरहनी ब्लॉक पे धरने पर बैठे विकट कल से, और हम उनके समर्थन में बैठे, और हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार इसकी जांच उच्च स्तर से कराए। एक गांव एक भाषा है, जो छिन रहा वही डोलिंग संग है। भाई जिसने चोरी किया वही जांच कैसे करेगा, इसकी जांच ऊंचे स्तर से होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। प्रदेश की जनता को भरोसा होना चाहिए कि नहीं, हाँ, वरना तो प्रदेश की जनता देख ठगी महसूस करे सरकार। ये गुंडाराज भ्रष्टाचार का नारा लगाने से नहीं होता, काम करने से। ये जो पीपीई किट का मामला है, जो पीपीई किट घोटाले की बात आप कर रहे हैं, आपके संज्ञान में कब आया और इसमें कल लगभग कितने रुपए का मतलब घोटाला हुआ है? जी देखिए, मेरे संज्ञान में मामला विगत अभी एक हफ्ता पहले हमने इसको अखबार में देखा था। अखबार में देखा तो हमको सिर्फ इतना मामला संज्ञान हुआ कि नहीं, 2500 के दाम रेंज वाले जो पीपी किट हैं, ये लगभग 11-12 हज़ार का खरीदा गया है, और ये बड़ा विषय है क्योंकि अभी तो शुरुआत है। हम लोग तो सिर्फ इस बात को जान करके, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार सिंह डब्लू धरने बैठे और हम उनको समर्थन देने आए हैं, चूँकि ये मामला हल्का नहीं है। अधिकारी तो बदनाम है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बढ़िया खेल सीखा है, पुलिस को बदनाम कर देती है आगे करके, अधिकारी को आगे, अधिकारियों कहाँ हिम्मत है जी, अधिकारियों के कलम से भ्रष्टाचार होता है, अधिकारी को कैसे अकेला भ्रष्टाचार कर सकता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल, इसकी जांच होनी थी, वही तो कह रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए, ऊंचे स्तर तक जांच होनी चाहिए, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये कैसे खरीदा गया, किस कंपनी से खरीदा गया, ये तमाम विषय जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। तो पीपीई किट घोटाले की हमने बात किया सर, उसको आपने बताया नहीं, लगभग कितने का घोटाला हुआ होगा? देखिए अभी इसका ठीक से आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर का ये मामला है, पूरे प्रदेश स्तर का मामला है। जिला के जिला अधिकारी चंदौली के एक कमेटी का गठन कर दिए हैं, और जब तक जिला कमेटी टोटल घोटाले का पर्दाफाश नहीं कर देती, तब तक हम कैसे कहें कि इतने का घोटाला हुआ है। क्योंकि अभी तो बहुत सारे प्रधान को ये कहेंगे कि हमारे खाते से पैसा नहीं निकला है, ये सरकार कहेगी प्रधानों से हमने नहीं काटा है, तो अब कितने का घोटाला ये हम आज अभी ठीक से नहीं कर सकते। सरकार जांच करे और खुद बताए कितने घोटाला है, लेकिन ये घोटाला पूरे प्रदेश स्तर पे हुआ है, मेरे पूरे चंदौली में हुआ है, और इसकी जांच होगी।
दो दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं आप लोग, और कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारे पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ये जान रहे हैं इस धरने को। हमारे राष्ट्रीय सचिव धरने पर बैठे हैं, कोई हल्का नेता नहीं बैठा है, कोई आम आदमी के लिए, आम गरीब आदमी के लिए हमारा राष्ट्रीय सचिव, सभा का राष्ट्रीय सचिव धरने बैठे हैं। और कोई ब्लॉक का BDO साहब या कोई छोटा अधिकारी से ये धरना खत्म होने वाला नहीं है जब तक जिला के DM साहब या अब ये राष्ट्रीय सचिव का निर्णय है। अब वो किसके ऊपर धरना खत्म है, जब तक वो आश्वस्त नहीं होंगे तब तक हम यहाँ धरना पर बैठे। धरने का दूसरा दिन है, अब तक आप लोगों से मिलने कौन आया जिले से? अभी तक कोई नहीं आया। फोन पर माननीय राष्ट्रीय सचिव से कुछ अधिकारियों ने वार्ता करना चाहा है और ब्लॉक के लेवल के लोगों ने वार्ता करना चाहा है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय सचिव जी बता पाएंगे। जब तक हम इतना कहेंगे कि जब तक जिले का बड़ा अधिकारी, जिला अधिकारी न आ जाए स्वयं, तब तक ये धरना चलता रहेगा। क्या यह मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में गया है? बिल्कुल गया है, जिलाधिकारी ने कमेटी का गठन किया है, जिलाधिकारी का बयान है पेपर में, उन्होंने जांच के लिए कमेटी गठन किया है। तो जिलाधिकारी को आगे बताना चाहिए उसका बिल जो भी है, कितने का खरीदा गया और किसके आदेश पर खरीदा गया, ये सारी चीज़ें उनको आना चाहिए और जनता के सामने धरने में सबको बताना चाहिए। धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह देखिए, टेम्परेचर नापने की मशीन है थर्मल स्कैन, इसमें यह अमेजॉन में 1300 रुपये का मिलता है और इसका रेट 13000 लगाया गया है। और कल से मैं बैठा हूँ यहाँ पर, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और सैयद राजा का पूर्व विधायक दो दिन से बैठा है और किसी भी सरकारी आदमी को टाइम नहीं है। ब्लॉक छोड़ के BDO पंचायत तक भाग गए हैं, किसी का पता नहीं है। मैं किसी की मांग कर रहा हूँ कि इसका क्या मामला है, ये जानने के लिए मैं आया हूँ। आप इस धरने पर कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक इसका खुलासा नहीं होगा तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद 100% घोटाला हुआ है, घोटाला की जाँच हो, घोटाला करने वाले जेल जाए, ये उम्मीद है। इस मामले में सही में घोटाला हुआ है? आपको क्या लग रहा है? नहीं हुआ है, 1300 रुपए का। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है विधायक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ माननीय महोदय कि क्या हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पर क्यों बैठता? बिल्कुल बैठा हूँ इसीलिए ना, घोटाला हुआ है इसलिए बैठे हैं। आप दो दिन से बैठ होता तो दो दिन से आप बैठा हो, कोई जवाब देने वाला नहीं मिलता। दो दिन से बैठे हुए हैं तो कोई जिले के अधिकारी या फिर कोई आपके यहाँ मौजूद हुए हैं? कोई नहीं मौजूद।